डेस्टिनी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार दिवाकर आज आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी खौफनाक वारदात जहाँ पहले से शादीशुदा एक महिला ने लालच में पड़कर एक युवक से किया प्यार का नाटक, वहीं उसी युवक को ब्लैकमेलिंग में गंवानी पड़ी अपनी जान। शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी और के साथ अवैध संबंध बनाना और फिर बदनामी के डर और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर प्रेमी का मर्डर, जी हाँ यही किया सुनीता ने। सुनीता अपने परिवार के साथ ग्रेटर नोएडा में रहती थी। सुनीता का पति रेलवे में बतौर टेक्नीशियन का काम करता है। इन दिनों सुनीता के पति की पोस्टिंग निजामुद्दीन स्टेशन पर थी। पति और पत्नी के बीच किसी भी बात को लेकर कोई अनबन नहीं रहती थी। दोनों साथ में हंसी खुशी रहते थे। सुनीता का पति रेलवे में टेक्नीशियन था तो पति की पोस्टिंग आए दिनों बदलती रहती थी, लेकिन पति के पीछे सुनीता किसी और के साथ ही गुल खिला रही थी। दरअसल सुनीता का किसी ज्योतिष के साथ अवैध संबंध चल रहा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सुनीता बन गई हत्यारन। आपको बताते हैं कि पूरा वाक्य आखिर क्या है। अवैध संबंध का किस्सा शुरू हुआ पुरानी दिल्ली में, जहां कुछ साल पहले सुनीता अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन फिर अचानक चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर के मंदिर में एक ज्योतिष गजानंद से उसकी मुलाकात हुई, जो कि राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित बामनवास का रहने वाला था। सुनीता अक्सर ज्योतिष के पास घर में लक्ष्मी आने का उपाय पूछने के इरादे से मिलने जाया करती थी। लगातार हो रही बातचीत के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। मोबाइल के जरिए दोनों एक दूसरे के संपर्क में भी रहने लगे। जहां एक ओर गजानंद और सुनीता के बीच नजदीकियां बढ़ती ही जा रही थी, वहीं दूसरी ओर सुनीता का पति इन सब बातों से अनजान था। इतना ही नहीं, सुनीता और गजानंद के बीच शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, जबकि गजानंद भी शादीशुदा था। आपको बता दें कि गजानंद का भी परिवार है, जिसमें उसके दो बेटे हैं, जिनमें से एक जयपुर में जॉब करता है जबकि दूसरा गाँव में ही रहता है। लेकिन बावजूद इसके दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था। डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट जस्ट खबर पर। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉग इन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दिन के उजाले में
और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया रात 10:30 और दोपहर 1:30 रिपीट सिर्फ जस्ट खबर पर। जुर्म की खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 और दोपहर 1:30 रिपीट सिर्फ जस्ट खबर पर। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। गजानन सुनीता के प्यार में इस कदर अंधा हो गया था कि सुनीता की बातों में आकर उसने अपनी पुश्तैनी जमीन को भी बेच दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि सुनीता को लेनी पड़ी उसकी जान? गजानन सुनीता के प्यार में पूरी तरह से अंधा हो चुका था। सुनीता जो भी कहती वो मान लेता, फिर चाहे वो कोई भी बात हो या फिर कैसी भी बात हो। और इसीलिए पंडित गजानन ने सुनीता के कहने पर सवाई माधोपुर स्थित अपनी पुश्तैनी जमीन 18 लाख में बेच दी। जिसमें से 10 लाख रुपए सुनीता ने ही ऐंठ लिए। और इसी बीच गजानन के परिवार में आर्थिक संकट पैदा होने लगा। जहां एक ओर गजानन के घर में आर्थिक तंगी चल रही थी, वहीं दूसरी ओर सुनीता के घर वालों को भी सुनीता पर शक होने लगा था। सुनीता और पंडित गजानन के बढ़ते रिश्ते पर अब सुनीता के घर वालों की नजर पड़ चुकी थी और सुनीता को भी इस बात की भनक लग चुकी थी। ये बात जानकर सुनीता घबरा गई। वो सोचने लगी कि अगर किसी को इस बात के बारे में मालूम पड़ा तो वो आगे क्या जवाब देगी। समाज में और अपने परिवार में बदनामी के डर से सुनीता ने गजानन से धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दी। लेकिन गजानन को सुनीता के इस रवैये से परेशानी होने लगी और फिर गजानन ने सुनीता पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिस बात को लेकर सुनीता और भी परेशान रहने लगी। सुनीता ने गजानन से शादी करने के लिए साफ मना कर दिया, लेकिन गजानन लगातार उस पर दबाव बनाने लगा। फिर बाद में गजानन ने सुनीता को धमकाना शुरू कर दिया। वो चाहता था कि या तो सुनीता उससे शादी कर ले या फिर गजानन से ऐठे 10 लाख रुपए वो लौटा दे। सुनीता अब पूरी तरह से फंस चुकी थी। ना ही वो शादी कर सकती थी और ना ही वो पैसों का बंदोबस्त कर सकती थी। लेकिन गजानन का लगातार सुनीता पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। फिर उसने सुनीता को ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया। उसने धमकी दी कि अगर सुनीता ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसके घर वालों को उसके और उसके बीच के शारीरिक संबंध के बारे में बता देगा। सुनीता पहले से शादीशुदा थी। जहां लालच में पड़कर उसने गजानन की जान ली, वहीं उसने अपना हंसता खेलता परिवार भी तबाह कर डाला। गजानन की लगातार ब्लैकमेलिंग से सुनीता अब तंग आ चुकी थी। उसने इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया और सुनीता ने एक प्लान बनाया। उसने सोचा कि क्यों ना इस मुसीबत को ही खत्म कर दिया जाए। फिर उसने 27 अक्टूबर को नांगली रजापुर में स्थित एक गेस्ट हाउस में एक कमरा बुक करवाया। प्लान के मुताबिक सुनीता ने गजानन को किसी बहाने से उस गेस्ट हाउस में बुलाया
और फिर मौका देखते ही उसने गजानन पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद वो वहां से फरार हो गई। गजानन को जलता देख उसी गेस्ट हाउस के युवक ने पुलिस को सूचित किया और गजानन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी ओर सुनीता 2-3 दिन से गायब थी, जबकि सुनीता का पति उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने थाने भी गया था, लेकिन पुलिस ने मामले को संदिग्ध समझकर मामला रजिस्टर्ड ही नहीं किया। गजानन के बारे में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने अपनी छानबीन शुरू कर दी। पुलिस सुराग ढूंढ रही थी और आरोपी को तलाश कर रही थी। छानबीन के दौरान बहुत सी बातों का खुलासा हुआ। पुलिस को गजानन के पास से कई अलग अलग नंबरों के सिम मिले, जिससे वो सुनीता को बार बार फोन करके ब्लैकमेल किया करता था। पुलिस की छानबीन जारी थी। पुलिस ने आरोपी को तलाश करने के लिए स्पेशल टीम की तैनाती भी की, जिसके बाद 29 अक्टूबर को सूचना मिली कि सुनीता को सफेद रंग की कार में घूमते देखा गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने लाइट सिग्नल के पास घेराबंदी कर दी। सुनीता को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद सुनीता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इन सब के बीच सबसे बड़ी लापरवाही जिसकी सामने आई है वो है पुलिस की लापरवाही। जी हाँ, अगर वो वक्त पर ही मामला दर्ज कर लेते तो शायद ही अंजाम ये ना होता। जिस वक्त सुनीता के पति ने उसके गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, अगर उसी वक्त पुलिस अपना काम करती तो बात शायद इतनी आगे ना बढ़ती। पुलिस प्रशासन कई बार अपनी लापरवाही का प्रमाण दे चुकी है और इस बार भी यही हुआ। सुनीता कई दिनों से घर नहीं लौटी थी। सुनीता के पति ने दिल्ली पुलिस को सुनीता के गुमशुदा होने की जानकारी दी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और कोई शिकायत दर्ज नहीं की। अगर समय रहते दिल्ली पुलिस सुनीता के गुमशुदा की जानकारी दर्ज कर लेती और सुनीता को खोजना शुरू कर देती तो आज यह हादसा नहीं होता और गजानन भी जिंदा होता। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते थे कि लालच बुरी बला है। अगर सुनीता लालच में नहीं पड़ती तो शायद गजानन उसे ब्लैकमेल ना करता और आज दो हंसते खेलते परिवार यूं तबाह ना होते। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना, और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, साथी4u.com। जो साथी4u.com पर आए जिंदगी महक जाए। डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट जस्ट खबर पर। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, वो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। में और रात के अंधेरे में
हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया रात 10:30 और दोपहर 1:30 रिपीट सिर्फ जस्ट खबर पर। जुर्म की खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 और दोपहर 1:30 रिपीट सिर्फ जस्ट खबर पर। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। आज भी हमारे समाज में गुरु को भगवान से बड़ा मानते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक गुरु ने किया है ऐसा घिनौना काम जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यह है शिक्षा के पवित्र धंधे को शर्मसार करने वाला राजकुमार। अट्ठाईस साल का राजकुमार वलसवा डेरी थाना इलाके के स्वरूप नगर एक्सटेंशन में रहता है और घर पर ही ट्यूशन पढ़ाता है। राजकुमार शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता भी है। आरोपी ने भलसपा डेरी थाना इलाके में एक 6 साल और दूसरी 7 साल की बच्चियों के साथ रेप की घटना को दिया है अंजाम। जैसे ही बच्चियों के परिजनों ने इसका पता चला तो तुरंत पुलिस को दी गई सूचना। पुलिस ने आरोपी टीचर राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने रेप के 2 अलग-अलग मामले रेप और पास्को के तहत दर्ज किए हैं। ये जो है छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चियां इनकी उम्र है लगभग 7 साल और 6 साल। ये पड़ोस में रहने वाले एक युवक के पास ही ट्यूशन पढ़ने जाती थी और उनकी मदर ने कुछ कंप्लेंट की कि हमारी बच्चियां जो है इस तरह की शिकायत कर रही हैं। तो उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो वहाँ का जो टीचर है जो ट्यूशन पढ़ाता है आफ्टर स्कूल, उसको हमने अरेस्ट किया है इस केस में। और इसमें रेप केसेस, 2 डिफरेंट रेप केसेस हमने रेलेवेंट सेक्शन में वो हमने रजिस्टर किए हैं। इस ट्यूशन टीचर की सर प्रोफाइल बताएंगे, थोड़ा नाम कहाँ का रहने वाला है, कब से ये ट्यूशन पढ़ाता है? हाँ, ये इसका नाम है राजकुमार। ये नज़दीक में स्वरूप नगर एक्सटेंशन का रहने वाला है। इसकी उम्र 28 साल के करीब इसकी उम्र है और ये मैरिड है। इस घटना में परिवार ने कुछ भी बोलने और कैमरे के सामने आने से भी मना कर दिया है, पर पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर आरोपी को रोहिणी कोर्ट पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब इस घटना से आसपास के सभी लोग डरे हैं जिनकी बच्चियां स्कूल पढ़ने जाती है या ट्यूशन पढ़ती है। अब जरूरत है परिजन भी बच्चियों का पूरा ख्याल रखें, उनके स्कूल और ट्यूशन की पढ़ाई पर भी ध्यान दें। सुहागन अपने पति की लंबी आयु और उनकी सलामती की कामना करती है। करवा चौथ का उपवास करे बिना, कुछ खाए बिना, बिना कुछ पिए पत्नी अपने पति को देवता मानती है और उसकी पूजा करती है। लेकिन जब वही देवता दानव बन जाए तो, जब एक पति ही हैवान बन जाए तो, जी हाँ, यही हुआ नीतू के साथ, जो अपने पति को देवता समझ उसकी पूजा करती रही, लेकिन बदले में उसे मिली मौत, एक दर्दनाक मौत।
वो शायद ये जानती भी नहीं थी कि जिसकी वो पूजा करती रही है वही उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। दरअसल ऐसा हुआ है त्रिनगर के गणेशपुरा में, जहां 48 साल का विक्रम भाटिया अपने एक छोटे से परिवार के साथ किराए के कमरे में रहता था। विक्रम का एक 4 साल का बेटा भी था। शुक्रवार की रात विक्रम का साला सबके लिए खाना लेने बाहर गया। वो भी इस बात से अनजान था कि उसके पीछे उसका जीजा एक खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला है। विक्रम का साला खाना लेने बाहर चला गया। उस बीच घर में क्या हुआ कोई नहीं जानता। कुछ ही देर बाद विक्रम का साला खाना लेकर घर पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। विक्रम के साले के कई बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी दरवाजा नहीं खुला। थक हार के वो वहां से चला गया। थोड़ी ही देर बाद मकान मालिक, जो कि विक्रम के ऊपर वाली मंजिल में रहता था, फिर बाद में मकान मालिक ने आवाज लगाई कि दरवाजा खोलें। तो कुछ ही देर में विक्रम ने घर का दरवाजा खोला और कहने लगा कि उसने अपने बेटे नवनीत और अपनी पत्नी नीतू को मार डाला। मकान मालिक घबरा गया और उसने तुरंत अंदर जाके देखा कि दोनों की लाश पड़ी है। मकान मालिक फौरन बाहर आया और उसने बाहर से दरवाजा बंद कर विक्रम को अंदर ही रोक दिया। मकान मालिक ने विक्रम को घर के अंदर बंद कर पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही विक्रम बाहर आया और कहने लगा कि हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या की है। सर, यहाँ पे जो है अपनी पत्नी को और 4 साल की लड़की लगभग, वो मतलब कोई कह रहा जहर दे के मारा है और कोई कह रहा है मतलब तकिए दबा के मारा है, लेकिन मकान में कोई नहीं बता रहा है। SHO साहब को भी नहीं बता रहा कोई। SHO साहब यहाँ के बहुत अच्छे आदमी हैं। कितने कौन रहता था, किराएदार है कौन इसमें? सर, इसमें सारे बता रहे किराए पर रहते हैं, मकान मालिक और कहीं रहता है। अच्छा। और यहाँ के इस टाइम जो SHO साहब है बहुत अच्छे इंसान है। कितने मर्डर हुए यहाँ पर? सर, 2 मर्डर हैं, एक पेट में, मतलब 2.5 मर्डर माना जाएगा। अच्छा, मतलब कौन कौन था पूरा बता दो। उनकी फैमिली है सर, उनकी घरवाली थी और उनकी लड़की थी। अच्छा। और वो नशे में था सर। अच्छा। और वो जब यहाँ पे किसी ने सोनभरी कॉल करी है ना, तो पुलिस आई थी, तो पुलिस को तो कुछ पता भी नहीं था, तो ये लगा लो जब पुलिस आई तो उनको भी कह रहा मार दिया तो क्या हो गया। अच्छा, कौन बोल रहा था ये बात? उनका पति सर। अच्छा। और ये लगा लो अब क्या पता क्या कहानी है, क्या बता रहे हैं, डेड बॉडी के पास ही लेटा हुआ। हाँ, बता रहे डेड बॉडी के पास ही लेटा हुआ था। अच्छा। अब सर वजह पता नहीं है, वजह क्या है क्या नहीं है कोई नहीं बता रहा है यहाँ पे। पुलिस ने जब लाशों को देखा तो लाशें पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी। पुलिस ने अनुमान लगाया कि दोनों को जहर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर विक्रम भाटिया शराब के नशे में था और उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। पुलिस ने जल्द से जल्द विक्रम को BJRM हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि विक्रम ने भी जहर लिया है। केशवपुरम थाना पुलिस आरोपी पति को हिरासत में लेकर जांच में जुटी है। हालांकि आरोपी पति पुलिस की निगरानी में अस्पताल में भर्ती है, उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, लेकिन पुलिस ने अपनी छानबीन जारी रखी है। आरोपी भले ही पकड़ा गया हो लेकिन कई सवाल अब भी बाकी है। आखिर विक्रम ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या विक्रम की इस कदम के पीछे उसकी कोई मानसिक अवसाद थी, या फिर करवा चौथ के दिन परिवार में कोई झगड़ा हुआ? ऐसे कई सवालों के जवाब पुलिस भी तलाश कर रही है। फिलहाल पत्नी और बेटे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम में ही कई बातों का खुलासा हो पाएगा। हालांकि अभी ये बात साफ नहीं हो पाई है कि विक्रम ने उसी दिन अपनी पत्नी को मारा या उससे पहले। विक्रम ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, उसके पीछे क्या मंशा थी, आखिर क्यों उस मासूम से बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया? उसने तो अभी पूरी दुनिया देखी भी नहीं थी।
कई, बस जवाब है बाकी। सनसनी ऑफ इंडिया से अनिल अत्री की रिपोर्ट। एक नाबालिग बच्चे ने अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर जहां अपने जिंदगी तबाह की, वहीं दो घर भी उजाड़ डाले। नाबालिग बच्चा अंधविश्वास में इस कदर अंधा हो गया था कि उसे आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 और दोपहर 1:30 रिपीट जस्ट खबर पर। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है जिंदगी सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना, और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा saathi4you.com। जो saathi4you.com पर आए जिंदगी महक जाए। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया रात 10:30 और दोपहर 1:30 रिपीट सिर्फ जस्ट खबर पर। जुर्म की खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 और दोपहर 1:30 रिपीट सिर्फ जस्ट खबर पर। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। मैं विजय कुमार दिवाकर अब आपसे लेता हूं विदा। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपके आसपास हो रही है कोई वारदात या अगर आपको किसी घटना की जानकारी, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9213130221 या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854621 पर दे सकते हैं। कल फिर मिलूंगा इसी चैनल पर इसी समय कुछ नई खबरों के साथ।